गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल इफ यू न्यू टू माय चैनल देन हे माय नेम इज ईशा मुंद्रा एंड आई मेक वीडियोस रिलेटेड टू ब्यूटी लाइफस्टाइल फैशन एंड व्हाट नॉट सो प्लीज टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल आई नो आपको मेरी बाकी सारी वीडियोस भी अच्छी लगने वाली है सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो यस आप ही मेरा बैकग्राउंड फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे क्योंकि मैं इस बैकग्राउंड के आगे फर्स्ट टाइम शूट कर रही हूँ और मैंने सोचा कि ठीक है मेरे को एक मेकअप वीडियो शूट करना है एंड उसमें नेचुरल लाइट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि तब भी मतलब अच्छे से मेकअप दिख पाता है दैट्स वाई मैंने नेचुरल लाइट चूज़ किया एंड यस सो यस मैंने जो मेकअप लुक है अपने चीपेस्ट मेकअप कलेक्शन से क्रिएट किया है तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस वीडियो को आगे देखने के लिए देन लेट्स गेट स्टार्टेड सो यस मैंने थोड़ा सा जूम इन कर लिया है बिकॉज इट्स अ मेकअप वीडियो एंड सब कुछ बहुत अच्छे से दिखना चाहिए सो एज यू कैन सी माई फेस एंड आई मैंने कुछ भी नहीं लगा रखा बस एक बहुत अच्छा स्किन केयर किया है सो या लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो सबसे पहले हम लोग प्राइमर की बात करते हैं फॉर प्राइमर आई हैव दिस इनसाइड 3-in-1 प्राइम्स प्रोटेक्शन मॉइस्चराइज प्राइमर सो ये मैंने आई थिंक सो आपको एक बिगनर्स मेकअप किट में भी दिखाया था यस दिस इज द चीपेस्ट प्राइमर अवेलेबल एंड एक ब्लू हेवन का भी आता है तो वो डिस्काउंट में जाके 240 का होता है बट इसका नॉर्मल प्राइस 240 है सो आई थिंक दिस इज द चीपेस्ट एंड द बेस्ट प्राइमर अवेलेबल मतलब कि चीपेस्ट रेंज में सबसे अच्छा प्राइमर है टेकिंग अ लिटिल बिट ऑन माय फिंगर एज यू कैन सी मतलब मैं थोड़ा सा ले रही हूँ एंड देन जस्ट रब इट और इसे आप अपने टी जोन पे लगा लो जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको पोर्स हों जिससे कि आपका पोर्स फिल इन हो जाए तो मैं भी वहीं पर ही लगा रही हूँ एंड इट इज़ अ सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर तो इसमें आपका जो मेकअप होता है वो बहुत अच्छे से ग्लाइड होता है एंड आपको दिख जाएगा कि आपका जो क्या कहते हैं एंड आपको दिख जाएगा कि आपका जो पोज है वो एकदम अच्छे से फिल इन हो गया है यू कैन सी कि बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड एकदम ब्लरी सा लग रहा है मूविंग ऑन टू लिप्स सो लिप्स के लिए मेरे पास है ये बोरोलिन तो ये चीपेस्ट ही कह सकते हैं बिकॉज इट कॉस्ट जस्ट 10 rupees एंड इससे सस्ता क्या ही आएगा सो आई एम यूजिंग दिस बोरोलिन एंड ये बहुत अच्छे से आपके लिप्स को मॉइस्चराइज कर देता है इन माई ओपिनियन दिस इज़ अ गुड लिप बाम बट इसका प्रॉब्लम क्या है एक वाइट कास्ट छोड़ देता है एज यू कैन सी कि मतलब बहुत वाइटिश सा लगता है सो आई जस्ट प्रिफर इट इन विंटर्स जब मेरे को रात में सोना होता है तो इसके क्लेयर लगा के सो जाओ तो सुबह बहुत ज़्यादा प्लम्पी एंड हाइड्रेटिंग सा लगता है अदरवाइज फॉर दिन देखो मतलब इसने मेरा पूरा फेस इतना ज़्यादा डल कर दिया है दैट्स वाई आई डोंट लाइक इट फॉर डे टाइम एंड यस सो नो Moving on to the next thing which is a concealer. So this is Swiss Beauty Liquid Concealer and मैं इसकी भी बात अपने पुराने वीडियो में कर चुकी हूँ because this is the best and the cheapest liquid concealer available in the market. बहुत सारे चीप आते हैं जैसे ब्लू हेवन का भी एक रोल ऑन आता है कंसीलर में एंड इनसाइड का 2x वाला आता है बट दे आर नॉट एट ऑल गुड मतलब जितना ज़्यादा अच्छा ये है ना मतलब उससे ज़्यादा अच्छा कोई मार्केट में कंसीलर नहीं है एंड आई रियली लाइक दिस वन अगर आपको इसमें अपना शेड मिल जाता है बिकॉज इट हैज़ ओनली 6 शेड्स सो थोड़ा डिफिकल्ट है इसमें अपना शेड फाइंड करना बट अगर आपको मिल जाता है देन डेफिनेटली ग्रैब इट इट्स रियली रियली ऑसम दिस कंसीलर आई एम गोइंग टू शेयर अ ट्रिक विथ यू गाइस सबसे पहले मैं क्या करती थी मैं कंसीलर को लेती थी एंड आई वॉज मैं यहाँ पे ऐसे करके और ऐसे करके लगा देती थी लाइक आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा मैं ऐसे करती थी सो यार लेट्स ब्लेंड इट यस डेफिनेटली यू कैन सी इट हैज अ नाइस कवरेज एंड यू कैन सी द डिफरेंस कितना अच्छा डिफरेंस दिख रहा है मतलब डेफिनेटली इट वर्क्स नाउ आई विल टॉक अबाउट द ट्रिक व्हाट यू कैन डू इज एक ब्रश लो अगर आपके पास ऐसा फ्लैट ब्रश है and just take very little amount from the spatula or wherever like जहाँ से भी आपको दिख रहे so usually take this and what you have to do is आप यहाँ से इस ब्रश को ऐसे use करो मतलब ब्रश की हेल्प से कंसीलर को स्प्रेड करो मेरे कहने का मतलब है कि इतना सा प्रोडक्ट लेने से इतना अच्छा आपको वो मिल जाएगा क्या कहते हैं कवरेज That it's insane and हम ब्यूटी ब्लेंडर से लेते हैं तो वो उतना अच्छा कवरेज नहीं देता और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट भी लग जाता है सो यू कैन सी द कवरेज मैंने जब डायरेक्ट लगाया
तो ऑब्वियसली मैंने बहुत ज़्यादा लिया था बिकॉज मैंने पूरा डिप किया था एंड मैंने उसको पूरा स्प्रेड किया था, बट मैंने बहुत कम अमाउंट लिया था। आप देख सकते हो कितना अच्छा कवरेज आया है एंड आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट। सो मेरे को ये बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रिक लगी, कवरेज इज रियली रियली ऑसम। मतलब कितना भी नीचे लेके जा सकते हो सिर्फ उतने से प्रोडक्ट को, एंड यू कैन सी कि यू कैन सी द डिफरेंस, मतलब आपके सामने पूरा डिफरेंस। अब अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा अनटाइडी है या हल्के से स्ट्रोक्स हैं, ऑब्वियसली मतलब बिल्कुल भी वो नहीं लग रहा, क्या कहते हैं, मैनेज या फिर दोनों सिमिलर से नहीं लग रहे, देन आई विल टेक दिस ब्यूटी ब्लेंडर एंड देन जस्ट गिव इट अ डैब। सो अब मैं क्या करूँगी, मैं वापस इस साइड करूँगी थोड़ा सा उसको मैनेज करने के लिए, से भी नहीं ले रही, सिर्फ वॉन्ड से ले रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू डू इट। आई रियली लाइक दिस ट्रिक यार, आई रियली। फॉर फेस आई हैव दिस पॉन्ड्स बीबी क्रीम। द प्राइस ऑफ दिस बीबी क्रीम इज 67 रुपीज, सो दिस इज द चीपेस्ट बीबी क्रीम आई हैव। छोटी सी आपको ये ट्यूब मिलती है विच इज रियली क्यूट, रियली रियली क्यूट। एंड वट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक द प्रोडक्ट ऑन द बैक ऑफ माई हैंड। इतना सा ही लूंगी मैं मतलब इतना ज़्यादा नहीं लगाती। ओके सो आई एम जस्ट गोइंग टू वॉर्म इट अप अ लिटिल बिट एंड टेक इट एंड मेक लाइक दिस डॉट्स। जैसे अगर आप हैंड से करोगे ना बीबी क्रीम और सीसी क्रीम को तो आपको ज़्यादा कवरेज मिलेगा। सो आज हम लोग हैंड्स ही ट्राई करते हैं कि इसका कवरेज कैसा होता है। डेफिनेटली अ नाइस कवरेज एंड सब एकदम इक्वल लग रहा है अगर हम हल्का सा और ब्लेंड करेंगे इसे तो। सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू एंड में दूंगी एक साथ करके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कॉम्पैक्ट। सो मेरे को नहीं पता है कौन सा कॉम्पैक्ट है बिकॉज ये मेरी मम्मा लेके आई थी एंड अब तो ये इसका सब कुछ ऊपर से जा चुका है। आई एम प्लानिंग टू बाय अ कॉम्पैक्ट, सो लेट्स सी। मैं नायका का लेती हूँ या फिर मेबलिन का, आई डोंट नो। सो आई एम टेकिंग दिस ब्यूटी ब्लेंडर एंड जस्ट रोलिंग इट अराउंड। ये आ गया यहाँ पे एंड आई एम जस्ट सेटिंग माई आईज बिकॉज वहाँ पे ही हैवी प्रोडक्ट लगा है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट था तो उसे क्रीजिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से हमेशा हमें उसे एक पाउडर से सेट कर लेना चाहिए। सो यू कैन सी कि अब थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है एंड यस। फॉर आईब्रोज आई एम यूजिंग दिस मिस क्लेयर वाटर प्रूफ आईब्रो पेंसिल एंड या इट लुक्स लाइक दिस एंड इट वॉज ₹65। यू कैन से एक ये पेंसिल है, इसमें शार्पनर वार्पनर कुछ नहीं आता, आगे एक ब्रश सा आता है थोड़ा सा स्मच करने के लिए एंड यू हैव दिस पेंसिल। और जो मेरा शेड है वो है 02 डार्क ब्राउन, सो आई एम गोइंग टू फिल माई ब्राउज फटाफट। सो इट्स अ वेरी नाइस ब्राउ पेंसिल, यू कैन परचेज इट इफ यू आर अ बिगनर एंड यू जस्ट वॉन्ट टू ट्राई विथ लाइक सम brow products, definitely you can give this a try. Definitely you can give this a try if you are a beginner. And yeah. So I'm going to smudge it with the help of this brush, जिससे कि कोई भी harsh line या harsh वो ना दिखे। So this is my eyebrows and I definitely like this product. ये मेरा first ever eyebrow फिलर था एंड आई रियली लाइक दिस वन। मैंने इसे बहुत टाइम बाद यूज़ किया है एंड आई एम करंटली लाइकिंग दिस अ लॉट। कितना ज़्यादा नेचुरल एंड एक बुशी लुक मिला है। सो इफ़ यू हैव लाइक ब्लैक आईब्रोज एंड डार्क ब्राउन इज द बेस्ट, बट अगर आपके पास थोड़ा कोई डिफरेंट कलर का आपका आईब्रो है तो फिर आप उस अकॉर्डिंग चूज कर लेना, बट डेफिनेटली यू कैन परचेज इट एंड इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर आईज एंड आईज के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, सो विच इज दिस हिलरी रोडा आई शेडो पैलेट। एंड जो आप मेरे चैनल पे आई थिंक फोर्थ टाइम देख रहे हो बिकॉज आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड विद दिस पैलेट। डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द बेस्ट कलरफुल पैलेट अवेलेबल इन द मार्केट, लाइक चीपेस्ट रेंज में। ऑब्वियसली हम उतने हाई रेंज में नहीं जाएंगे। सो दिस इज द ऑल शेड्स वी हैव, मतलब बहुत सुंदर बहुत प्यारे शेड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेक दिस लाइलैक पर्पल, यू कैन से मैं लाइलैक पर्पल लूंगी एंड आई एम जस्ट गोइंग टू कलर इट लाइक हेयर ओनली। एक्चुअली मैंने इस वाले ब्रश में ना कंसीलर लगा रखा है जो मैंने, चलो इसी से ही कर लेते हैं यार क्योंकि इससे फिर कलर पिगमेंट अच्छा आएगा।
आई नो आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा इसमें, बट पता नहीं इसके इसमें पिगमेंट नहीं है मुझे लग रहा है। गोइंग टू यूज माई हैंड्स क्योंकि आई थिंक सो, मैं इसका फर्स्ट टाइम ये यूज कर रही हूँ एंड इसमें यार यू कैन सी अब आया पिगमेंट यार। आई हैव ऑल्सो दिस लिक्विड आई शेडो फ्रॉम स्विस ब्यूटी, तो ये ना एक ब्लू हेवन में भी आता है पर वो थोड़ा ज़्यादा चीप है, मैं यहाँ पे पिक्चर पेस्ट कर दूंगी। वो 130 rupees का है एंड आई हैव हर्ड लाइक इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट, मतलब स्विस ब्यूटी जैसा ही वर्क करता है। तो स्विस ब्यूटी वाला आपको 165 rupees का मिलेगा बट वो 130 का मिल जाएगा, सो आई विल सजेस्ट कि आप ब्लू हेवन वाला ही लेना, बट मेरे पास ये ऑलरेडी है तो आई एम गोइंग टू यूज दिस ओनली। एंड मैं थोड़ा सा अपना इनर कॉर्नर पे लगा लेती हूँ। सो आई होप यू कैन सी इट्स लुकिंग ठीक ठाक, मतलब नॉट सो गुड बट यार द प्रोडक्ट इज रियली रियली ऑसम। आई विल सजेस्ट कि अगर आपको लेना है देन डेफिनेटली यू कैन परचेज इट। इसका एप्लीकेशन, इसका जो वॉन्ड है वो बहुत अच्छा है एंड ऐसे लुक्स क्रिएट करने के लिए लाइक थोड़ा सा होलोग्राफिक एंड थोड़ा सा शिमरी, यू कैन ऑलवेज ग्रैब दिस और लाइक चूज दिस प्रोडक्ट। सो येस, मूविंग टू द आईलाइनर, अगर हम लोग आईज पे ही हैं तो अब हम लोग आईलाइनर की बात करते हैं। सो येस, फॉर द आईलाइनर आई एम गोइंग टू यूज दिस सो मास ब्लू लिक्विड लाइनर। द प्राइस ऑफ दिस आईलाइनर इज 50 rupees आई थिंक। आपको ये बहुत जगह मिल जाएंगे, ऐसे ही लोकल स्टोर पे भी मिल जाते हैं। सो इसका जो वॉन्ड है वो कुछ ऐसा दिखता है, लेट मी शो यू, वेट। सो इसका जो वॉन्ड है वो बहुत अजीब सा है, ना कोई ब्रश है ना कुछ है, मतलब बहुत कॉटन बर्ड जैसा होता है ना वैसा सा लग रहा है। सो मैं इसको अपने आईज पे लगाऊंगी एंड लेट्स सी कि ये कैसा वर्क करता है, मतलब मैं भूल चुकी हूँ इसका फॉर्मुलेशन कैसा होता है बट हम बहुत दिनों बाद लगाने जा रहे हैं। अरे भाई कुछ आ ही नहीं रहा। फॉर द चीपेस्ट वन आई एम गोइंग टू यूज दिस ब्लू हेवन लिक्विड लाइनर। तो ये आपको पता ही है, मतलब वन ऑफ माई फेवरेट लाइनर्स में से है ये एंड इसका प्राइस आई थिंक 50 rupees है, बट ये बहुत अच्छा है, छोटू सा ही आता है। सो आई एम गोइंग टू मेक अ विंग लाइनर। सो येस आई एम डन विथ माई लाइनर एंड डेफिनेटली दिस इज द बेस्ट वन। यू कैन सी कि कितना प्रिसाइज मेरा लाइनर लगा है एंड डेफिनेटली यू कैन ग्रैब दिस वन। सो यू कैन सी कि मेरा बोरोलिन लगाने के बाद ना सब वाइट कास्ट आ जाता है। प्लीज़ एनी वन जस्ट टेल मी कि इसे कैसे प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि मेरा किसी भी लिप बाम से आ जाता है, अभी एक दो को छोड़ के नहीं आ रहा, मतलब मोस्टली लिप बाम से मेरे ऐसे वाइट कास्ट आ जाता है। For cheeks, I am going to use this LA 18 color pop matte which is of rupees like 75 and मैं इसके lipstick में जो mauve date है इसको ही as a क्या कहते हैं blush use करने वाली हूँ। मतलब मेरे को लगता है यार बहुत ज़्यादा अच्छा एक look आता है, it gives you a nice red flushy effect. Blush, this is like a very perfect product. It is like a cream blush and definitely आप इसे build भी कर सकते हो, as a lipstick भी use कर सकते हो, as a eyeshadow भी use कर सकते हो and the color is also perfect. Indian skin tone के लिए तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है. Move on to our lips and for lips, Insight का non-transfer proof matte lipstick in the shade 04 ferocious pink. तो मैंने ये अपने एक mini Nykaa haul में भी दिखाया था, उसके बाद से मैंने कभी लगाया भी नहीं है। सो या लेट्स सी। तो सबसे पहले लिक्विड लिप्स जब भी आप अप्लाई करते हो तो इसके लिए आपके जो लिप्स हैं वो बिल्कुल हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज होने चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी पहले कर लिया था एंड नाउ वी विल यूज दिस। इसका वॉन्ड, इसकी जो प्लास्टिक है वो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये इतना चीप प्रोडक्ट है। सो या इनके पैकेजिंग के लिए तो मैं इनको दूंगी लाइक 10 out of 10, बट या लेट्स सी कि ये लिप्स पे कैसा लगता है एंड इसका कैसा स्टे पावर है।
now it's looking good and yeah I am like looking pretty fresh you can say you can see my makeup yeah, now let's move on to our mascara for mascara I have this blue heaven ka mascara which is of rupees like only 50 and isse pata nahi kya hota hai kya nahi to ye chhotu sa aisa wand aata hai and aapko ओके इससे बहुत हल्का सा इन्हें बस ब्लैक इफेक्ट मिल रहा है वेट लेट मी शो यू आपको कुछ लग रहा है मतलब ये डेफिनेटली लग रहा है कुछ लगाया है बट बिल्कुल ना जैसा सो आई वाज सजेस्ट कि यू शुड नॉट गो फॉर दिस क्योंकि इसमें से ना ओह एक बहुत अजीब सी स्मेल भी आ रही है सो आई विल सजेस्ट कि डोंट गो फॉर दिस मस्कारा दिस इज नॉट एट ऑल गुड एंड इसने मेरे लैशेज पे मतलब कुछ भी नहीं किया है बस थोड़ी सी कोटिंग सी करी है तो हल्का ब्लैक एंड हल्का सा लग रहा है गोइंग फॉर काजल आई एम गोइंग टू यूज दिस हिमालय काजल एंड हिमालय के ऐसे रोल ऑन काजल है मतलब पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा यूज करते थे एंड ये मतलब मेरे पास मेरी मम्मा के पास है सो लेट सी मैं इसे फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी मतलब बहुत सही लग रहा है अगर जैसे ऐसे ग्लाइड करके देखें तो या इट्स गुड पर इसे पता चल रहा है कि ये स्मच प्रूफ नहीं है एंड ट्रांसफर प्रूफ नहीं है मतलब वेट करते हैं मैंने इसे यहाँ पे ऐसे ग्लाइड कर लिया है यू कैन सी या डेफिनेटली मैंने इसे ग्लाइड कर लिया तब तक हम इसे अपने लोअर लैश लाइन पे लगा लेते हैं हाँ सो यस यू कैन सी कि ये मतलब बहुत सही लग रहा है नॉर्मल जैसे लग सकता था एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक आई रियली लाइक दिस लाइक हाउ इट टर्न आउट मैं ऐसा मेकअप नहीं करती लाइक इतना ज़्यादा शिमरी एंड यहाँ से एकदम पर्पल वो भी येलो देन पर्पल देन ब्लू देन ब्लैक बट ठीक है मैं ऐसा ही उसको टर्न आउट कर पाई क्योंकि मेरे तो दिमाग ज़्यादा चल नहीं पा रहा था So yes, now we will rate all the products. So let's talk about the primer. This is like inside primer. I like this primer. This is good for oily skin type. And अगर आपके pores issue हैं तो definitely ये fill up कर देगा pores को. But if you have dry skin, then do not go for this. और अगर आप 800, 900 वाले primer पे नहीं invest करना चाहते, then you can surely purchase this. Next, move on to the concealer. Definitely this is the best and the cheapest concealer available in the market and ये fit me concealer को भी I think so पीछे छोड़ देता है मतलब मेरे लिए एंड दिस इज फॉर रुपीज 165 अगर इसमें आपको आपका शेड मिल जाता है देन डेफिनेटली ग्रैब इट एंड इट्स अ ये फॉर दिस प्रोडक्ट टॉक अबाउट दिस पॉन्स बीबी क्रीम आई लाइक दिस प्रोडक्ट दिस इज लाइक माई गो टू बीबी क्रीम मैं ज़्यादा यही लगाती हूँ बिकॉज इट्स अफोर्डेबल एंड ये मेरे स्किन पर सूट कर जाता है So yes, you can purchase this because it's a yeah product for me. Now move on to the eyeshadow palette. This is a Hilary Rhoda eyeshadow palette. If you are looking for like decent and nude eyeshadow palette, then you should not go for this. क्योंकि इसमें एक भी ऐसा decent सा color नहीं है. But yeah, अगर आप एक बट अगर आपको थोड़ा कलरफुल आई शेडो पैलेट चाहिए एंड यू आर नॉट लुकिंग फॉर लाइक दैट एक्सपेंसिव आई शेडो पैलेट देन यू कैन गो फॉर दिस थोड़ा सा इसमें पिगमेंटेशन बिल्डअप करना पड़ता है बट या फॉर 165 रुपीज आई थिंक इट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट एंड आई रियली लाइक दिस वन या नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस स्विस ब्यूटी लिक्विड आई शेडो तो ये किसी का ड्यूप है मतलब एक बहुत एक्सपेंसिव रेंज में ही ऐसा लिक्विड आई शेडो आता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स फ्रॉम लाइक स्टेला और समथिंग लाइक दैट उसका ये आता है विच इज़ लाइक ऑफ रुपीज 1200 तो ये इसका एक अफोर्डेबल रेंज आया था जिसका प्राइस है 165 रुपीज एंड आई रियली लाइक दिस वन मतलब यू कैन सी द पिगमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है बट अब इसका भी एक चीपर वर्जन आ चुका है फ्रॉम ब्लू हेवन विच इज़ ऑफ रुपीज लाइक 130 सो आई विल से कि गो फॉर दैट बट डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो अ ये प्रोडक्ट आई विल से मेरे पास जितने भी चीप प्रोडक्ट्स हैं ना वो चीप के भी मतलब बहुत अच्छे मतलब चीप में भी वो लोग बेस्ट हैं वो सारे प्रोडक्ट्स तो आपको मेरे पास सारे वही मिलेंगे लेट्स टॉक अबाउट दिस आईब्रो पेंसिल मिस क्लियर आईब्रो पेंसिल इन द शेड 02 ब्राउन डेफिनेटली आई लाइक दिस वन
बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत क्रीमी है, पिगमेंटेड भी है। इसके साथ आपको एक ब्रश मिलता है एंड इट्स फॉर ओनली ₹65। आई विल से जस्ट ग्रैब इट, ग्रैब योर शेड एंड इट्स ये प्रोडक्ट फ्रॉम माई साइड। सो या दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई नो आई एम नॉट लुकिंग एट ऑल प्रेजेंटेबल, बट इतनी ज़्यादा गर्मी है एंड फैन ऑफ है, तो पोनी बनाना ही मुझे सबसे बेस्ट सॉल्यूशन लगा। बट या अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल मीट यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।